नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, विधायक और सांसदों ने भी अंतिम विदाई दी है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। उनके पैतृक गांव नातिया नवागांव में मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि व्यक्तिगत क्षति हुई है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और सांसदों ने मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी। मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से निधन हो गया। शनिवार की रात धमतरी के सर्किट हाउस में रुके हुए थे, तो वहीं रविवार की सुबह उनके सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें धमतरी के अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने मनोज मंडावी को मृत घोषित कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत क्षति हुई है। उसका जाना हम लोग अभी निमित्त थे और विधानसभा में साथ में होते थे, और आज नहीं, जो सुबह खबर मिली तो विश्वास ही नहीं रहा था कि मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि इसकी तबीयत खराब होने की सूचना नहीं थी। 7 तारीख से भी मेरी मुलाकात हुई थी, बड़े शिव भक्त थे, तो शिव मंदिर में जाके नगरी के पास वहाँ बना हुआ है, वहाँ घंटों बैठे रहते। ईश्वर उसके अपने चरणों में स्थान दे और दुख सहने की क्षमता उस परिवार को दे। वो बस्तर रीजन के एक बड़े नेता थे। राजनीति की शुरुआत हम लोग एक साथ किए थे। नर्सरी, राजनीति की नर्सरी क्लास से ही हम लोग दोनों साथ आगे बढ़े थे। एकाएक चले जाने से राजनीति में जो रिक्तता आई है वो भर पाना मुश्किल है। इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और मंडावी जी को अपने श्री चरणों में स्थान। एक सुबह जानकारी लगी कि मनोज नहीं रहे, और व्यक्तिगत भी मेरे बहुत ही स्नेहिल संबंध उनके साथ थे। बहुत ही स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रखने वाले, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेके चलने वाले जनप्रतिनिधियों में वो थे। मुझे दुख है कि एक बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा साथी, हमारे परिवार का एक बहुत अच्छा प्रिय साथी हमारे बीच से आज चला गया है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को यह गहन दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। कबूर मिलने से बहुत आहत हूँ। मले हम लोग कांग्रेस पार्टी में थे, जब भी बस्तर का बात, आदिवासी के बात होना से हम लोग एक साथ उठाते थे, किसी को डरते नहीं थे। ऐसा आदमी जाने से बस्तर के लिए बहुत दुखी है। श्रद्धेय मनोज मंडावी जी का हमारे बीच नहीं रहना हम सब की अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी ओर से, अपने दिल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय श्री मंडावी जी, मनोज मंडावी जी का आकस्मिक निधन हो गया। हम सब स्तब्ध हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को इस कठिन दुख की कठिन घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर दें। एक युवा नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे और एक कदावर नेता के रूप में यहां से विदा हुए हैं। न केवल परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। कांकेर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने मनोज मंडावी से जुड़ी यादों को आम लोगों से साझा किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मनोज मंडावी के साथ बिताए गए पल के बारे में लोगों को बताया। तो हम लोग मुरिया दरबार में कार्यक्रम था,
और उसके बाद दीपक के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपक को बोला है कि चलो, उन्होंने कहा यहाँ और कार्यक्रम है, तो रुक गए। राजमन साथ में आया था और यही उतरे और यहाँ एक विलेज के प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन हुआ, सब साथ में थे। नमन भी किया और उन्होंने कहा मंदिर चलना है। मैंने कहा सनसेट हो रहा है विनोद भाई, जब दूसरी बार आऊंगा पक्का आऊंगा। लेकिन किसे पता था कि दूसरी बार आना हुआ नाथिया ना जाऊं तो उसके शोक में आना पड़ा, अंतिम यात्रा माना पड़ा। मनोज भाई के बारे में सब लोगों ने अपनी संस्मरण सुनाई और मनोज भाई छात्र जीवन से ही राजनीति में उनकी रुचि रही, दो बार छात्र नेता है। और अंत में जब भी हम लोग चर्चा करते थे छात्र जीवन के बारे में, छात्र राजनीति के बारे में जरूर चर्चा करते थे। तीन बार विधायक रहे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री भी रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, समाज के भी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, क्षेत्र के विकास के बारे में हमेशा वो करते रहते थे। और एक बहुत ही सुनिंदा और बहुत ही विभाग बोलने वाले, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सपाट बोलने वाले और बहुत ही प्रिय भाई मनोज जी का जमा। मंडवी परिवार के लिए निश्चित रूप से वज्राघात हुआ है, क्षेत्र के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, प्रदेश के लिए हुआ है, पार्टी के लिए हुआ है और व्यक्तिगत रूप से हम सबका। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बिलासपुर में जिला अधिवक्ता संघ के साथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, आरक्षण के मामले में भी सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। मैंने सरकार को इसको लेकर निर्देश देते हुए कहा है कि जल्द न्यायिक प्रक्रिया को सुलझाने का प्रयास किया जाए। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, कई अच्छी अच्छी योजना उन्होंने गोधन योजना से लेकर बहुत सारी योजना ऐसे लागू किया है किसानों के लेकर और बहुत सारी चीज़ों में, और जहाँ कुछ कमियाँ रहती है तो मैं ध्यान आकर्षित करती हूँ, उसमें सुधारवाने का प्रयास करती हूँ। लोगों की जो मेरे पास मिलने आते हैं तो समय समय पर उसका ध्यान तो उसका भी समाधान हो जाता है। रायपुर से बड़ी खबर है, राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक कल होने जा रही है, आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर बड़ा फैसला हो सकता है, धान उपार्जन नीति पर कैबिनेट की मुहर लगेगी, गन्ना किसानों को लाभ दिए जाने पर भी निर्णय हो सकता है, राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा होगी, आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी समीक्षा की जाएगी। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक कल होने जा रही है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, धान उपार्जन नीति पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है कल, कितनी खास ये बैठक होगी, किन किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जानकारी विस्तार से दीजिए जी। अरे तो देखिए, अहम बैठक कही जा सकती है, चूंकि अभी 1 नवंबर से धान खरीदी होना है और जिस तरह से बम्पर धान पैदावार जब प्रदेश में होती है उसके एक एक दाना खरीदने की बात लगातार कही जा रही है और किसानों को काफ़ी राहत भी राज्य सरकार ने दी है, उसको लेकर के समीक्षा बैठक में जो होगी कैबिनेट की बैठक में उसमें ये अहम मुद्दा होगा, क्योंकि प्रदेश में लगभग 45 लाख से अधिक किसान हैं, तो किस तरह से धान खरीदी होगी इसका भी एक अहम मुद्दा होगा। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, जगह जगह पूरे चाहे वो गांव हो, कस्बा हो या फिर जिला मुख्यालय, सभी जगह जो छत्तीसगढ़ के जो खेल हैं उसे
बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो हिस्सा है वो ले रहे हैं। इसके बाद जो राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा उसकी भी जो तैयारियां किस तरह से है उसकी भी समीक्षा की जाएगी और किस तरह से आगे रहेगी। उसके अलावा आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है, इससे पहले भी लगभग 5 से 6 देश के जो नर्तक थे वो भी आए हुए थे और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था, तो उसको लेकर के काफी बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, तो उसको लेकर कल कई सारे अहम मुद्दों पर ये कैबिनेट की बैठक होगी, देखने वाली बात होगी आखिर क्या निकल करके आता है। बहुत शुक्रिया युगल। कल 17 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पीसीसी के कुल 307 डेलीगेट्स में से करीब 295 अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, बाकी की ड्यूटी पार्टी की ओर से जहां लगाई गई है वही करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तमाम तैयारियां हो चुकी है। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में, यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीसीसी के महामंत्री अमरजीत चावला हैं। सर बताइए क्या कुछ तैयारी है, क्या व्यवस्था, ये कुछ बैरिकेड्स आप लोगों ने लगाए? प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार हमको जैसी व्यवस्था दी गई थी वैसे हम लोगों ने यहाँ पर राजीव भवन में बैरिकेड्स लगाए हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो उसके लिए हमने बूथ का इस्तेमाल भी किया है और यहाँ पर मतपेटी रहेगी। 4 पोलिंग एजेंट जो खड़गे साहब के हैं वो रहेंगे, शशि थरूर जी के जो पोलिंग एजेंट हैं वो रहेंगे, एक एक करके एक दरवाजे से मतदाता आएंगे, उनकी उंगलियों पर जिसे स्याही लगाई जाती है वो स्याही लगाई जाएगी, उसके बाद वो वोट करेंगे और दूसरे दरवाजे से निकल कर वो बाहर चले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 10 बजे से निर्धारित किया गया है, 10 बजे से 4 बजे तक ये मतदान होना है। मतदान में पूरी पारदर्शिता रहेगी और मतदान के पश्चात हमारे प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी मतपेटी लेकर 18 तारीख की सुबह दिल्ली चले जाएंगे। कितने डेलीगेट्स हैं पीसीसी में जो मताधिकार का इस्तेमाल करें? प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 307 प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों की ड्यूटी बाहर लगे होने की वजह से वो बाहर हैं और अपना वोट वहीं पर डालेंगे, पर लगभग 295-296 यहाँ मौजूद हैं, वो 100% पोलिंग मतदान यहाँ पर कल होगा। जिस तरह से AICC के निर्देश है उस तरह से जो मतदान कार्य है वो संपन्न और संपादित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अवधेश मिश्रा, News 18 छत्तीसगढ़। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, भाजपा कार्यालय में संभागीय बैठक में शामिल हुए। सरगुजा संभाग के सभी जिले में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, संगठन विस्तार पर चर्चा की, नए लोगों को पार्टी से जोड़ने पर भी चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल राज्य के सभी जिलों में जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए समस्या दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सीएम के निर्देश का अनुसरण करते हुए बालोद के डोंडी लोहरा विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री और विधायक अनिला भेड़िया अपने क्षेत्र के विभिन्न गांव में पहुंचकर भेंट मुलाकात करते हुए विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, जिसके तहत मंत्री ने ग्राम कुआगोंदी, लिमाउडीही, सुंडोगर, उकारी और कारूटोला गांव का दौरा किया, जहां मंत्री को अपने बीच पाकर आम लोग बेहद उत्साहित नजर आए। गीत संगीत और नृत्य के साथ ही मंत्री जी का भव्य स्वागत हुआ। वहीं इस दौरान मंत्री ग्रामीण महिलाओं के साथ सुआ नृत्य पर जमकर थिरकते भी नजर आए। नारायणपुर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, नक्सली मुठभेड़ के बाद हथियार बरामद हुए हैं। सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से BGAL बरामद, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की सामान बरामद हुआ है। कल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, देवगांव हचाडी के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है ऐसा पुलिस का कहना है। देखा गया कि काफ़ी सारे खून के धब्बे वहां पड़े हुए थे, फिर उसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा उस खून के धब्बे का भी पीछा किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी को जो घायल काफ़ी सारे हुए होंगे उनके, नक्सलियों के, तो जिन्हें वो ले जा रहे थे, तो उसके बाद उनका पीछा भी किया गया और फिर कॉर्डन किया गया। फिर
सर्च अभियान चालू किया गया और सर्च अभियान के दौरान इतने सारे मतलब नक्सलियों के जो सामग्री हैं जो डेली यूज करते हैं, कुछ उसके साहित्य, BGL जो देसी ब्रेडेड ग्रेट लॉन्चर बनाया गया है और उनके दैनिक उपयोग की सामग्री, दवाइयां आदि सभी मिले हैं। ज़रा जानकारी के लिए केम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। केम नारायण, कल मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों और पुलिस के बीच में, आज कई सारा सामान बरामद हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी? हेलो, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, कल देर रात कांकेर और नारायणपुर सीमा से लगे हुए जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसमें पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है और एक नक्सली कैंप भी ध्वस्त किया है और काफी सारे सामानों को नक्सलियों के जब्त किए हैं। हालांकि जब दोबारा सर्चिंग सुबह शुरू की गई थी तो जब पुलिस वाले जंगल के अंदर घुसे थे तो कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए थे, तो कुछ बड़ा नुकसान नक्सलियों को पहुंचने की आशंका जताई गई थी, लेकिन वहां पर अभी सामानों को बरामद करके पुलिस वापस आ चुकी है। जी जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के ओरछा इलाके की, जो आजकल नक्सली गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि वाईफाई जोन के लिए सुर्खियों में है। जी हां, आधुनिकता की दौड़ और डिजिटलीकरण से कोसों दूर अबूझमाड़िया जनजाति के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला प्रशासन की सार्थक पहल से फ्री वाईफाई जोन का लुत्फ उठा रहे हैं। देश दुनिया के लिए अबूझ माने जाने वाला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ ओरछा के लोग आधुनिकता की दौड़ से कोसों दूर हैं। देखिए, बलौदाबाजार में जिला अस्पताल में गर्भाशय के मुंह के कैंसर की जांच सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर शुक्रवार को जिला अस्पताल में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मामले में विभागीय डॉक्टर सभी शुभी विश्नोई ने बताया कि ज्यादातर महिलाएं शर्म से इन तरह की समस्याओं की चर्चा नहीं करती हैं। सूरजपुर की बात करेंगे, मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। दीपावली के मद्देनजर प्रशासन के खाद्य सुरक्षा और औषधि अधिकारियों की टीम बीते 4 दिनों से दर्जन भर होटल और दुकानों पर दबिश दे चुकी है। सूरजपुर और विश्रामपुर इलाके में मिलावटी दूध, पनीर, मिठाई और मिलावट और सिंथेटिक खोवा मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और कार्रवाई की। दुर्ग की बात करेंगे, पुलिस ने स्पर्श अस्पताल के डायरेक्टर से लाखों की डिमांड करने वाले फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस को यह सफलता सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर के जरिए मिली है। आरोपी संजीव जैन को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।